हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग दिवाली के दिन का है। दिवाली के दिन सुबह सुबह मेरी मम्मी यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है वहाँ पर कुछ जगा रही है, जो पालक होते हैं, पालक और धनिया जगा रही है। कुछ दिन बाद यहाँ से पालक और धनिया निकलेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मेरी मम्मी इसमें पालक और धनिया छीट देगी। और ये दिवाली के दिन ही हम लोग शाम को पूजा करने के लिए फूल बाहर से ही तोड़ के ले आए थे, क्योंकि बाहर में बहुत सारे फूल लगे थे तो हम लोगों ने तोड़ लिया था। और ये है मेरा सुबह का नाश्ता, भजिया और चटनी, जो प्याज भाजी होता है उसका ही भजिया बना था। और दिवाली के दिन हम लोगों ने बनाई थी, ये गुलाब जामुन बना रहे थे, तो यहाँ फ्राई हो रहा था गुलाब जामुन। दूसरी साइड बना रहे थे टमाटर की चटनी, जो अच्छी लगती है, दाल चावल चटनी बनेगा। ये है हमारा गुलाब जामुन, एक दो थोड़े से इसमें क्रैक हो गए हैं, बट बहुत टेस्टी है। और ये है हमारा रंगोली, इससे हम लोग बनाते बनाते बहुत रात हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम रंगोली बनाने में ही लग गया था। तो बहुत, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगा था इसमें हम लोग को भरने में। और ये है, मैं तैयार हो गई थी दिवाली के लिए, तो दिवाली पूजा के लिए तो मैंने पहनी है साड़ी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सही तभी मिशाल में आप सभी का स्वागत है। आज है हैप्पी दिवाली, आज है दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। और हमारी पूजा हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ। हम सब, मतलब हम सब लोगों ने पूजा कर ली है, अच्छे से पूजा हो गई है और टाइम से भी पूजा कर ली है। यहाँ बहुत सारे दिए जले थे जो हम बाहर ले गए हैं, तो चलिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। बाहर दिए लगा रहे हैं हम लोग। और आज मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं रंगोली बना रही थी। और ये देखिए, रंगोली इतनी मेहनत से बनाई, इतना टाइम लगा कर, और इसमें तेल गिर गया है रंगोली के बीच में, तो थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, पर ठीक है। अब इतनी मेहनत से बनाए थे हम लोग आज, और एक नहीं दो दो रंगोली बनाए हैं। ये अंदर बनाए हैं और बड़ा बनाने का सोच रहे थे, लेकिन जगह थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए इतना ही बड़ा बनाए। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी रंगोली ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और कितनी अच्छी लग भी रही है, दिख रही है। तो बहुत टाइम लग गया था, हम लोग 2 बजे से बैठे थे और शाम के 6 बज गए थे बनाते बनाते। और ये वाली रंगोली बाहर की है, यहाँ बहुत अंधेरा है रोड में, मतलब अंधेरा हो गया है, इसलिए उतने अच्छे से नहीं दिख रही है। ऐसे मैंने दिन में इसका वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ। और इसको बनाते बनाते इतने मच्छर काटने लग गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग 6:30 बजे तक रंगोली बनाए। और बनाते बनाते काफ़ी रात हो गया था, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं। और आपको मेरी रंगोली कैसी लगी वो भी बताइएगा ज़रूर। इसमें और भी कलर भरने थे, लेकिन मच्छर बहुत काट रहे थे, इसलिए बीच बीच में इसमें कलर नहीं दिख रहे हैं आपको, जो इसलिए हम लोगों ने पूरा भरा नहीं, इतने में ही अच्छा लग रहा है वो लोग। और यहाँ हम लोग का ये लाइट लगाए हैं, ये लाइट तो धनतेरस के दिन का ही लग गया हुआ है। और देखिए दिए भी लग गए हैं। और ये जो छोटे छोटे छापने वाले होते हैं ना, वो हम लोगों ने जगह जगह थोड़े बहुत छाप दिए थे। और ये हमारा लाइट लग गया हुआ है, अगल बगल मतलब थे नहीं लोग ना, तो इसलिए और ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। और रोड में भी लाइट नहीं चल रहा था, स्ट्रीट लाइट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। पर दिए से हम लोग इतना जला दिए थे। और ये देखिए, ये बना हुआ है स्टार, इसे पहले का ही लगा हुआ है, धनतेरस के दिन का ही, और अब अच्छा लग रहा है। और आज सुबह से ही ये जो मैं लाई थी ना, प्लास्टिक वाला, जो पॉलीथीन का बना हुआ, ऐसा लग रहा है रियल का ही गेंदा फूल हो। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से तैयार हुई थी, सिंपल ही तैयार हुई थी, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। और आज मैंने अपने कान में गोल्ड इयररिंग पहनी हुई है, सिंपल, ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था, सिंपल से ही थी। और इतने फटाके फूट रहे थे,
और हम लोग भी जो लाए थे ना फुलझड़ियाँ, बहुत धुआं छोड़ रही थी। ज़्यादा तो नहीं लाए थे, थोड़े बहुत ही लाए थे, लेकिन ठीक है, एक दो सब ने जलाए थे, मैंने भी एक दो अनार भी जलाए थे। देखिए जब अनार जलता है तो बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर दिखता है, और तो उसके धुएँ भी बहुत ज़्यादा निकलता है। ये फुलझड़ी से भी कलर वाली फुलझड़ी थी और कितना धुआं निकलता है इससे भी। यहाँ मेरी बहन अनारदाने जलाई था, उसके बाद मैं भी अनारदाने जलाऊंगी। सब ने एक एक दो दो अनारदाने जला दिए थे, ज़्यादा पटाखे नहीं लाए थे, और वो बम वम ये सब तो हम लोग लाए ही नहीं थे, क्योंकि उससे बहुत डर लगता है। मेरा भाई चला रहा है, इसके बाद मैं चलाऊँगी, तो मेरे भाई को भी हम लोग को बम वम से ना मतलब उस बहुत शोर भी होता है बहुत ज़्यादा ही, इसलिए शोर से भी मतलब डर भी लगता है मुझे तो बम से, और शोर भी होता है ना तो मतलब कान में दर्द सा होता है, इतना शोर होता है, इसलिए सिर्फ अनार ही लाए थे। और यहाँ मेरे पापा भी अनारदाने मतलब जला रहे थे, तो मैं उनका भी वीडियो ले ली थी। मुझे अनारदाना और चक्री बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम उजाला करता है ना तो अच्छा लगता है, और हाँ बहुत धुआं भी होता है उससे। और इसके बाद अब मैं भी जाऊँगी अनारदाना जलाने, एक दो अनारदाना मैं भी जलाती हूँ। तो और यहाँ हम लोग थोड़े बहुत पटाखे फोड़ने के बाद हम चले गए थे रंगोली देखने। हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हर साल मतलब पूजा वूजा करने के बाद पटाखे फोड़ने के बाद हम थोड़ा आस पड़ोस की रंगोलियाँ देखने चले जाते हैं कि कैसे बनाए हैं, तो इसलिए हम लोग बहन मैं और मेरी बहन हम लोग मिल के गए थे रंगोली देखने बाहर। एक दो लोगों का देखे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि पटाखे फोड़ते हैं ना तो हमें भी डर लगता है कि सड़क में कोई पटाखा फोड़ा होगा, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये है केला, केला और गेंदे का फूल जो होता है ना उसका पौधा है, ऐसे यहाँ काट के दरवाजे पे ही लगाया जाता है। तो ये छोटे छोटे केले के पेड़ होते हैं और गेंदे के जो पौधे होते हैं उसे काट के ऐसे दरवाजे पे लगाया जाता है, यहाँ सब लगाते हैं। तो हम लोगों ने भी मतलब केले को और गेंदे का ऐसा पौधा काट कर दरवाजे पे लगाया था। और यहाँ मैं एक तो फुलझड़ी बना रही थी और रियल की वीडियो बना रही थी, मतलब रील्स बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। एक दो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, बस इसी तरीके से। आज ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाता, सादा सिंपल ही खाना बनाता हमारे फ्रेंड। बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं वीडियो को एंड करता हूँ, बाय। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय।